हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफ अली खान और मैं हूं एनी खान और आप लोग देख रहे हैं दिल रबाब। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि ये वीक था हमारी इंडिपेंडेंस डे का वीक, जो कि 14 अगस्त हमने संडे को मनाया है। और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, हमने भी इंजॉय किया है। कैसे? और कैसे? इस तरह के हमने सिर्फ मैंने तो दरअसल अपने घर की छत के ऊपर एक फ्लैग लगाया था, बस और तो फ्लैग आगे भी बता रहा हूँ ना। अच्छा। और मैंने छुट्टी का दिन एंजॉय किया था। मैं खफा इस पे था कि मेरी जॉब की छुट्टी नहीं हुई, क्योंकि संडे को आ गया था 14 अगस्त। होना चाहिए था किसी वीक डे पे होता कि हमारी छुट्टी हो जाती। हो खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने एंजॉय किया क्योंकि हमारा कौमी दिन है, आज़ादी का दिन था हमारा, और हमने खूब इंजॉय किया। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बताएंगे कि आप लोग ने कैसा इंजॉय किया और आप लोग कैसा म्यूजिक पसंद कर रहे हैं आजकल। आपको हम गाने भी सुनाएंगे मजे मजे के, इसके साथ सैफ की आवाज में भी आपको गाने सुनाएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत शौक है सुनने का। तो अगर सैफ हमारे प्रोग्राम में गाना नहीं गाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम स्टार्ट भी सैफ से लेते हैं और हम प्रोग्राम का एंड भी सैफ के गाने पे करते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह है, आज मैं गिटार नहीं लाया, आज मैं एज ए होस्ट बैठा हूँ, और आज मैं एनी को पूरा मौका दूंगा कि एनी अपना जो है ना जो टैलेंट है वो आज शोकेस करे, और K2 पे एनी अपना सारा टैलेंट शोकेस करेगी सिंगिंग का। तो मैं आज गिटार के बगैर आया हूँ, आज मैं प्रॉपर होस्ट बैठा हूँ। आज बहुत दिल कर रहा है सैफ का मजाक करने का, बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा है। खुद गिटार के साथ गा ले और एनी के ऐसे ही गवा ले ताकि लोग कहें ओहो एनी तो अच्छा नहीं गाता, सैफ बहुत अच्छा गाता है। ऐसी बात भी नहीं है, आप भी गिटार के साथ भी गाएं, लेकिन आप बगैर गिटार अच्छा गाती हैं। आई थिंक यू थिंक ना, लोग क्या थिंक कर रहे हैं, तो इसका तो कुछ नहीं कह सकती। तो आप क्या चाह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में लोग मुझे कहें कि एनी आपने बिल्कुल गाना नहीं गाना है? नहीं, अगर नहीं, आपने नहीं। होस्टिंग करनी तो आप प्रोग्राम में बैठे, अगर आप प्रोग्राम में मत बैठे। आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लोग आपको बिल्कुल लाइक करते हैं तभी तो कॉल्स करते हैं ना, अक्सर कहते हैं एनी के साथ हमने बात करनी है। बात करनी है और गाना गाने में बहुत फर्क होता है, आप नहीं समझ रहे। बिल्कुल जी, ये तो है। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप हमारा नंबर आप लोगों के आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी कॉल किया करें, ताकि प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म हो जाता है, आप लोगों से हमारी बात नहीं होती और सैफ का गाना भी रह जाता है। और इसके साथ थोड़ा वॉल्यूम अपनी जो होता है ना टीवी का वो स्लो करें, अपनी आवाज तो वैसे भी आप पूरा दिन सुनते रहते हैं, तो काइंडली इस वक्त अपनी जो टीवी की वॉल्यूम होती है वो स्लो रखा करें, ताकि हमें आपकी आवाज सही से आए। मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को लोग इसलिए टीवी की आवाज को उसका वॉल्यूम ऊपर रखते हैं, क्योंकि जब वो कॉल कर रहे होते हैं सुन रहे होते हैं कि हमारी आवाज हमें कैसे अच्छी लग रही है कि हाँ, नहीं होता भी है। खैर, मुझे तो अपनी आवाज व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट सेंड करें ना, तो मुझे बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है अपनी आवाज। हर इंसान को लगती है, आपको पता है मैं वॉइस नोट सेंड करने के बाद दोबारा नहीं सुनती हूँ, तो वो तभी ना दूसरे की अच्छी लग रही होती है, मेरी पता नहीं मुझे। लेकिन मैंने देखा है, आपको पता है कि मैंने देखा है बाज लोग क्या करते हैं कि अपना वॉइस नोट दोबारा सुनते हैं। अच्छा, वो अपने आप से बहुत मुतासिर होंगे, मेरे सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान होते हैं जी वो। और इसके साथ हम आपको मजे मजे के गाने सुनाएंगे। मैंने तो एक आध दो गाने शेयर किए थे इनके साथ की, वो जरूर लगाना, क्योंकि लास्ट भी जो हमारा वीकेंड आया था, सॉरी वीकडे पे हमारा प्रोग्राम था थर्सडे को, तो उस पे हमने मोस्टली पाकिस्तान 14 अगस्त के गाने लगाए थे। तो इस बार हम आपको मजे के और जबरदस्त से जो आप लोगों के फेवरेट और आजकल ट्रेंडिंग गाने होते हैं, हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो सुनाया करें। लेकिन उसके बावजूद भी जब अच्छा, आप कॉल करके हमें कहते हैं कि कोई पश्तो का लगा दें, या कोई आप हमें पुराना के हमारे जो लेजेंड्स होते हैं उनके सॉन्ग्स कहते हैं, हम वो भी लगाने की बिल्कुल हम लगाते हैं। कॉल है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? कैसी हो एनी? गेस करो मैं कौन हूँ। कौन है? मौसम होया वे बेईमान। ओ लाहौर से, लाहौर से कॉल है, लाहौर से। हाँ, मुझे नाम लाहौर से। हाँ हाँ जी, कैसी आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग बताओ कैसे हो? इतनी याद आ रहे थे मुझे। आई मिस यू वेरी मच, माशाल्लाह। आपका गला आज ठीक लग रहा है, लास्ट प्रोग्राम में आप थोड़ी सी बीमार लग रही थी मुझे। आप बताओ, आज मेरे साथ गाना गाओगे? मेरा दिल चाह रहा मेरे साथ गाना गाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सुनाए कोई अपना पसंदीदा गाना। सुनाए आपके साथ गाऊंगी। आप गाएं तो अच्छा, हम गाएं तो आप कितनी प्यारी वॉइस है ना, आप कोई भी गाओ मैं आपके साथ गाऊंगी। देखो मेरी भी तो फरमाइश है ना। अच्छा आप सुनाए, क्योंकि आपको कहा है। अच्छा, मैं कोई भी सॉन्ग शुरू हो जाए। अच्छा कोई भी, वो फिर आपको आता नहीं होगा ना शायद। हाँ ना, आप गाना बताएं सैफ आपके साथ। आप गाना सुनाए तो मैं फिर आपके साथ गा लेता हूँ। महफिल में आपके हम कुछ और गाना लाए,
कुछ और तो ना लाए नजमात में सजा कर वाह जज्बात लेके आए। अभी भी गला खराब लग रहा है ना। नहीं नहीं ठीक है। ये किन को ही बता दे भूले हैं हम कहां से ये तो वही जगह है बिछड़े थे हम जहाँ से। हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा अभी मिड से उठा है। चलो कैरी ऑन। बहुत आला जी आपने तो बहुत ही बिल्कुल महफिल ही लूट लिया। बड़े मजे का आपने हमें गाना सुनाया। ये किन का गाना था? उन्हीं से पूछ लेना। ये किन का गाना था आप बता सकती हैं? हेलो असल में आपकी टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है तो अच्छा कट गई। अच्छा कट गई कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी आपने हमें कॉल की और आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं और हमें बड़ा हम इंजॉय करते हैं आपकी कॉल। और माशाल्लाह अच्छा आप लास्ट जो हमारे प्रोग्राम में थी थोड़ी बीमार थी आपने हमें बताया था तो आज जब आप अच्छे खासे मूड में लग रही थी तो इसी तरह खुश रहा करें। और हमें अच्छा ऐसे मजे जब मजे भी कॉल आती थी आपने नोटिस किया होगा बहुत एनर्जेटिक वहाँ के लोग होते तो देखिए जिंदा दिलाने ला हो रहे ना। तो ये बात तो है नहीं हम मुंदा नहीं वो एक कहावत है उनकी तो वो तभी वो बोलते हैं। हाँ, सही बात तो है। ये बात है सारी। ठीक, ठीक, अच्छा दूसरी कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बिलावल बात कर रहा हूँ इस्लाम इस्लामाबाद से। अच्छा कैसे हैं बिलावल भाई? मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा जी हाँ जी यहाँ पिशावर में बैठा हुआ था टीवी पर मैंने कहा आपको कॉल कर लेते हैं। थैंक यू जी थैंक यू। ये बताएं आप आजकल म्यूजिक तो सुन रहे होंगे कैसा म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं आजकल? आजकल म्यूजिक नॉर्मल चल रहा है क्या सॉन्ग चल रहे हैं। कौन सा ऐसा फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर है आपका? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम। वाह जी कोई एक लाइन सुना सकते हैं आतिफ असलम के किसी गाने की? आतिफ असलम की अभी तो मेरे दिन में नहीं आ रही लेकिन अभी कोई भी सुना दे इतने फेमस गाने यार आदत सुना दे दूरी सुना दे कोई भी एक आध लाइन सुना दे। हेलो सुना दे किस चीज की शर्म। खैर जी भाई थोड़े से शर्मा गए थे और उन्होंने गाना मुझे लग रहा था उनका दिल चाह रहा है लेकिन वो गा नहीं पाए तो हमारे पास जी जी ब्रेक है और ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से आते हैं तो फिर आप लोगों के साथ हम दोबारा से मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग शो एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि हमारा शो होता है वीक में सिर्फ और सिर्फ एक दिन जो कि थर्सडे के दिन हम लोग प्रोग्राम करते हैं और हमें पता है आप लोग भी वेट कर रहे होते हैं कॉल्स वगैरह करते हैं लेकिन टाइम वगैरह टाइम हमारे पास लेकिन देखे हर दफा हम प्रोग्राम में बताते हैं काट दो मेरी सारी बात सारा मेरा नहीं आप ही की बात लोगों तक पहुंचा रही हूं कि हमेशा आपने प्रोग्राम में कहा कि जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज आहिस्ता रखा करें लेकिन आप हर दफा यही करते हैं कि जब भी हमें कॉल करते हैं तो आपसे ज्यादा आपकी टीवी की आवाज होती है जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो पाती है कॉल ड्रॉप हो जाती है। यही बात है जी कॉल ड्रॉप होने का मकसद आप लोगों की वजह से होता है। दरअसल हमें बुरा लगता है क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत से कॉल आपकी से मिलती है और फिर वो ड्रॉप हो जाती है तो हमें आप लोगों से ज्यादा बुरा लगता है। हाँ। खैर कोई नहीं हम आप लोगों को गाने सुनाएंगे और जी फिर भी गाने सुनाएंगे फिर भी आप लोगों को गाने सुनाएंगे और आप लोगों से भी गाने सुनेंगे मजे मजे के। और मैं तो चाहता हूँ आज हम एनी से एक गाना सुने और एनी अगर आपके दिमाग में कोई गाना नहीं है तो जल्दी से सोच लो गला साफ कर लो आज एज ए होस्ट सैफ अली खान आपको कहते हैं एनी आप सुना एक दो लाइनें किसी ठीक है सुना देती हूँ क्या याद रखेंगे किससे पाला पड़ा था वाह जी कौन सी बात है चले जी इजाजत है आपकी इजाजत है देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। चार लाइनें सुनाइए तालियां बजाएं मेरे लिए बहुत जबरदस्त आज तो हालांकि मेरा गला जितना खराब ना जिस तरह मजे का रोमांटिक मौसम है आज और कल भी जो था बारिश हो रही और उसी तरह आपने मजे का गाना सुनाया। हमारे पास कॉलर है अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाओ जी कौन जी 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 साहब बात कर रहा हूं
आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, अभी एनी ने बहुत अच्छा गाना हमें सुनाया है। थैंक यू जी, थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया हमारे प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। और आप जी कहाँ से बात कर रही हैं? हम पिशावर से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, और सैफ मुझे आपकी आवाज़ बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू जी, थैंक यू, आपने कॉल की। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कोई अच्छा सा गाना मुझे सुनाएं। सारे करेंगे। अच्छा, जी, जरूर जरूर। थैंक यू जी, आपने हमें कॉल की और जरूर मैं आपको गाना सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ एनी ने जो गाना सुनाया दरअसल वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वो उसके सामने मुझे थोड़ा सा वो हो गया, नहीं, वो डिग्रेड नहीं हो जाता बंदा क्या, मैं क्या सुनाऊं, शर्मिंदा करे आप माशाल्लाह कहां। बिल्कुल, कॉलर ने जिस तरह कहा मैं सुना देता हूँ। हमारे पास एक दूसरे है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जाहिद बात कर रहा हूँ, डीजी खान से, डेरा गाजी खान से। अच्छा जी, माशाल्लाह, कैसे हैं, मौसम कैसे है आज डीजी खान का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश चल रही है, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है। बिल्कुल माशाल्लाह, मौसम रोमांटिक है और मुझे लगता है आप भी रोमांटिक होंगे। कोई एक मजे का रोमांटिक पाकिस्तानी सॉन्ग जो आपको पसंद हो हमें बता दें या सुना दें। जी मैं आपको सुना देता हूँ मेरा। वाह जी, बस सुना ही दें आज। जी जी जी, सुनाए, हम सुन रहे हैं। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, वाह वाह, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, एक ख्वाब सा जो देखा था कभी, वो याद रहा इस हाल में भी, जो आग जली जलती रही, जो आग जली जलती ही रही, जो फूल खिला कुमलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। जबरदस्त, क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त, आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं यार, और मुझे लगता है दिल दुखाया हुआ है आपने अपना। बिल्कुल बंदे का, जिस बंदे का दिल जरा सा होता है ना दुखा होता है लाइफ में, एक्सपीरियंस हुआ होता है तो उसकी आवाज में दर्द सा होता है। तब भी दर्द से नहीं गा सकती। अच्छा, तो आप कामयाब है ना प्यार, वो दर्द नहीं आता। नहीं 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 हूँ, इसीलिए कह रही हूँ वो दर्द नहीं आता, वो जिसे लोग फील करके कहते ना, जी, जी। नहीं आता क्यों? अभी आ गया था, देखे नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आना चाहिए, वैसे नहीं आता। चले कोई बात नहीं, वक्त के साथ आ जाएगा। मतलब तो बहुत जोर की नहीं लगी शायद मुझे ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसके साथ हम प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे एक मजे का गाना तो लगा ही दें भाई, कॉलर तो हम ले ही रहे हैं और हमारे पास अच्छे खासे गाने हैं, तो कोई प्ले तो करो ना भाई, ताकि हमारी ऑडियंस सुने। हम भी देखे कि सैफ ने कौन सा सॉन्ग आपको भेजा। मैं तो इन्हें वैसे ही रैंडमली जब मुझे कोई अच्छा लग जाता है मैं इन्हें भेज देता हूँ। अच्छा। तो बाकी उसमें देख लें जो अच्छा लगे हमें सुनाए और हमारी ऑडियंस को भी साथ सुनाए। हाँ, ऑडियंस भी इसका इंतजार कर रहे होंगे कि अभी तक आज इन्होंने एक सॉन्ग भी नहीं लगाया। बिल्कुल, क्यों, वजह? लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, मुझे बार बार बात बात पे रोक। हालांकि आपको पता है आज मुझे, आज मैं कुछ भी खा के नहीं हूँ, आज मैं बहुत शायद मैं भूख की वजह से ज्यादा बातें कर रही हूँ, लोग खा के बातें करते होंगे, मैं भूख की वजह से ज्यादा बातें करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आप आज को मौका मौका दे रही भी, आप आज बातें करें, इसका क्या मतलब है, आप मुझे दोबारा कभी मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे जी, आप तो वैसे आप जा रही थी इस्लामाबाद, आप अभी तक मैं अब रहने देना, बार बार ऐसे सवाल करके बंदे का दिल ना दुखाया तो आपने क्यों मुझे इतना पहले बताया था। खैर छोड़ें, दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे, दिल रबाब पे आते हैं कि कैसा जा रहा है दिल रबाब। आप लोग हमें बता भी सकते हैं कॉल्स करके कि आप लोग इंजॉय करते हैं नहीं करते। दरअसल हम लोग तो जी आपके फीडबैक के साथ चलते हैं,
आप लोगों की फीडबैक के साथ भी चलते हैं और साथ म्यूजिक हम खुद सुनते हैं, तो म्यूजिक के साथ हमारा है भी थोड़ा एक है ना दिली प्यार सा जो होता है, दिली रिश्ता है। जी सुन तो लिया आपका, गाने की बात शुरू कर रहा था, गाना आ ही गया, तो सुनते हैं जी कौन सा गाना है हमारे पास, हम भी सुनते हैं और आप भी सुने जी। क्या बात है जी, अली कलेक्शन थी सच्ची बतानी, मैं पूछ लूंगी। नहीं ये दरअसल ये वाला मैंने नहीं सेंड किया था, लेकिन अली जफर की क्या ही बात, क्या है बात अगर है। इनकी करें हम म्यूजिक की, अगर इनकी पोइट्री की बात करें या इनकी एक्टिंग की बात करें, इवन ये जो स्केच बनाते हैं, क्योंकि यार सही मानों में जो आर्टिस्ट होता है ना अली जफर आर्टिस्ट है यार। अच्छा आपके ख्याल में जो मल्टी टैलेंटेड होता है वो आर्टिस्ट होता है? Obviously, multi-talented नहीं, artist मतलब, तो artist, नहीं, हर बंदा artist उसमें होती artist ही एक रहती है, लेकिन एक होता है ना जैसे सिंगर है तो वो सिंगिंग ही कर रहा है, जब सिंगिंग ही कर रहा है उसी फील्ड में, उसे वही प्रोफेशन लेके चल रहे हैं, उसके अलावा अगर वो एक्टिंग करें या होस्टिंग करें या वॉट एवर जो भी करें तो उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखें अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने एक्टिंग वगैरह नहीं की, लेकिन हाँ ओपिनियन ये कि अब जो मतलब स्क्रीन के सामने आजकल जो आ जाता है तो वो ऑब्वियसली अगर वो सिंगर है तो वो एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि अगर हम देखें फरहान सईद सिंगर एक्टिंग कर रहे हैं, बुराई नहीं है ना, नहीं बुराई नहीं है क्योंकि हाँ। वो अच्छा कर रहे हैं, उनके आदी हो गए, म्यूजिक वीडियोज इतनी बना लेते हैं वो लोग कि वो लोग आदी हो जाते हैं, कैमरे से एक वो होती है ना इंट्रैक्शन उनकी बढ़ जाती है, जैसे अब आप मुझे देख सकती हैं, मेरे कैमरे से इंटरेक्शन बराबर है, अब मैं ड्रामाज में जा रहा हूँ, देख लो केटू और खैबर वालों मुझे रखो अब ड्रामाज में, आहिस्ता आहिस्ता मुझे ड्रामे भी दो। नहीं खैर ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन बात अगर अली जफर की हम कर रहे थे, मुझे इनके सारे ही गाने यार बहुत पसंद है, इनकी जो मूवी थी टीफा इन ट्रबल, वो मुझे वाकई यार वो जो मूवी थी ना टीफा वाली कमाल थी। आपने देखी अभी जो लगी हुई है वो दो मूवीज? नहीं आपने देखी अभी वाली तो नहीं देखी। वो मौला जट भी आ रही है, द लेजेंड ऑफ मौला जट आ रही है आफ्टर 4 years के पता नहीं 3 साल से वो बनी हुई और आई नहीं है। जी 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 तो फवाद खान है और हमजा अली अब्बासी है, तो वो भी एक मूवी आ रही है। आप तो खैर से जाते हैं ना सिनेमा मूवी देखने के लिए, तो आप भी जा सकते हैं। हम अगले साल जब वो ईद पर लग जाती है ना टीवी पर तब हम घर पे बैठ के देखते हैं। मैं इन्हीं को तंग करता हूँ कि ये वो जब टोरेंट पे आती है ना तो डाउनलोड करके देखती है। तो खैर दे दिया करो, ये बजट जो है ये मूवी जो नहीं ऐसे ही अपने ही मजा है घर में मूवी देखने का, ऐसा नहीं है लेकिन घर में देखने का अपने ही मुझे मजा आता है ना, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बंदे ने बस बैठ के देखना है, घर में बंदा लेट के देख रहा होता है, वहाँ भी आप लेट लो टेक लगा लो पॉपकॉर्न खाओ, वो देखिए अपनी वाइब होती है सिनेमा की। ना 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 ना, फिर भी घर जैसी बात सिनेमा में नहीं है, आप नहीं समझते, आप खाना बनाते हुए भी मूवी देख सकते हैं, क्यों भाई? अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते तो जरूर सैफ को इंस्टा पे तो आप लोग मैसेजेस करते रहते हैं जैसे कि इन्होंने आप बताया था, तो ये भी जरूर करके बताया कि मेरी बात ठीक है ये सैफ की, सिनेमा में जाके मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, घर में आप रिलैक्स होके सारे काम करते हुए भी मूवी देख सकते हैं। नहीं लेकिन ये है कि फिर उसमें जो टीवी होता है ना तो उसमें बाज एक अक्सर क्रिकेट मैच लगा हो दूसरी चीज लगी हो तो बंदा चेंज कर लेता है, तो बस जिस घर में 10 टीवी हो फिर वो घर में देख ले, ब्रेक्स वगैरह होती हैं, तो उसमें ये है कि सिनेमा में आप बिल्कुल फ्रीडम से स्पेंड करते हैं, लड़के हो ना इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लड़की से पूछो, घर वालों से पूछो ना सिनेमा जाने के लिए तो वो हमें जाने देंगे सिनेमा? नहीं फैमिली के साथ आप जाएं ना, आपको कौन कहता है आप अकेले जाएं। खैर सिनेमा से हट के हम आप वापस आएंगे अपने दिल नवाब के ऊपर, अली जफर के ऊपर, और भाई मैं तो खैर सारे ही पाकिस्तानी जितने म्यूजिशियन हैं मैं उनका फैन इसलिए हूँ क्योंकि सारे ही यूनिक वॉइसेज हैं सारों की, और मैं हर म्यूजिशियन है सारों को सुनता हूँ, इवन के जो रैप जो यंगस्टर्स वगैरह हैं इनको भी सुनता हूँ, हिप हॉप जो हो रहा है उसे भी सुनता हूँ, क्लासिकल जो है उसे भी सुनता हूँ, कवाली जो है उसे भी सुनता हूँ, जो कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो साथ सजाद अली के मुझे क्लासिकल जो बाज़े गाने हैं वो बहुत पसंद है, तो सारा ही म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तानी। मतलब कौन ऐसा है, कौन इतने सारी आपने बता दी, ये भी पसंद है वो भी पसंद है, वो कोई ऐसा जो नहीं हो? नहीं हो तो खैर ऐसे सारों तो को दिल ना खुश करें, एक आध कोई होगा ऐसा जो कम पसंद, जिसके गाने मुझे ना पसंद? नहीं नहीं कम पसंद होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद हो, आप इतनी बुरी बात भी नहीं कर सकते ना। तुम्हें पता है नहीं जब बंदा म्यूजिक जैसे मैं अब खुद सिंगिंग करता हूँ ना तो हम लोग जब गाना शाना बना लेते हैं और क्योंकि स्टूडियो में हम तकरीबन 5 से 6 बार वो विजिट होता है स्टूडियो का, टेक्स रीटेक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो आते हैं वो साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो अपना गाना इतना हम सुन लेते हैं कि हमें फिर जब वो रिलीज हो जाता है ना आप यकीन नहीं करेंगे रिलीज के बाद में अपना गाना एक बार भी पूरा नहीं सुनता, वो अक्सर यहाँ पे लग जाता तो मैं सुन लेता हूँ। हमारे पास कॉलर है जी, इस पे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? रफात बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। कौन बात कर रहे हैं? बहावलपुर से। बहावलपुर से जी। जी कैसे हैं जी?
माशाल्लाह केयू टीवी के सब प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं। अच्छा थैंक यू जी, रोजाना ये प्रोग्राम आपके केयू टीवी के सुनते हैं। अच्छा अच्छे अच्छे बहुत अच्छे प्रोग्राम है, हम फैन है केयू टीवी के। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? कोई ये गाना सुना दें आप, एनी सुनाए ना, सर की बाली लगानी है भावे पावे सिर दी बाजी लग जावे। साहिर अली बग्गा का, साहिर अली बग्गा का गाना क्या गाना सुनाते हैं? अच्छा बिल्कुल, सर की बाजी लगवा, समझ गया आप बाजी वो गाना कह रहे हैं, साहिर अली बग्गा और आयमा बेग का जो गाना है। हम जरूर प्रोड्यूसर साहब, अगर हमारे पास वो गाना है तो जरूर इनके लिए प्ले करें। हाँ। और भावलपुर में आप क्या करते हैं जी आजकल? कॉल कट गई जी। अच्छा जी, तो अगर ये सॉन्ग है हमारे पास बाजी तो ये जरूर आप लगा दें प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि एक फरमाइश आई है। और खैर इसके अलावा मैं बात कर रहा था अपने गानों की ना, जो आप बोल रही थी कि आप अक्सर जो गाने नहीं सुनते। हाँ। तो अपना गाना जो इंसान का होता है ना, वो जब बना रहे होते हैं तो स्टूडियो मेकिंग में वो इतना सुन लेता है ना बंदा कि आफ्टर जब वो रिलीज के बाद फिर बंदे का दिल ही नहीं चाहता कि वो बार बार सुने। पूछना चाह रही थी कि मेरे लिए कब गाना बना रहे हैं आप? आपने कहा था मेरे लिए भी पोएट्री लिखेंगे तो खुद। हाँ पोएट्री तो खुद ही, मैं खुद ही गाऊंगी, खुद बजाते खुद गाऊंगी। ठीक है, पोएट्री आपने लिख के देनी था, आपने कहा था जरूर जरूर मैं अपने स्टूडियो में ही फिर बनाएंगे मेरे लिए गाना। ऐसे ही मैं पूछ रही थी, बाकी आपकी मर्जी है। आप इस्लामाबाद? नहीं नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, इधर ही हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद गई भी होती तो आप इतनी मेहनत करेंगे मेरे लिए पोएट्री लिखेंगे तो गाना गाने तो मैं आ ही सकती हूँ। पोएट्री जरूर, नहीं आपके लिए हम लिख देंगे पोएट्री कोई भी नहीं, आगे भी बात करें ना, अभी अपने स्टूडियो में भी मेरा गाना बना लेंगे। स्टूडियो में भी आप गाना बना देख लें, ये लाइव कह रहे हैं, अगर ये मुकरे तो मैं फिर दोबारा आके लाइव भी इनसे वो करवा लूंगी। नहीं जी जरूर, एनी हमारी को होस्ट है हमारे साथ, हम इनका गाना क्यों नहीं बनाएंगे जी। और इसके अलावा जी आप लोगों ने हमें कॉल्स की, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, और हम देखते हैं हमारे पास दूसरा कोई मजे का गाना हो तो साथ वो भी लगाएं ताकि हमारी ऑडियंस सुने, क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है कि इसमें हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस वक्त को, और बाजे कैसे और आप लोग हमें देखकर एंजॉय करते हैं। हाँ हमें देखकर नहीं, गाने सुनकर। वही ना, मतलब हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमें जब बैठा हुआ देखते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं तो इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड एनी, बिल्कुल ये आज तो अपनी तारीफों तो पे, मजाक करने में कोई हर्ज तो नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। अपनी तारीफों पे आज एनी खूब दबा के पलटी है, और हमारे पास ब्रेक है तो ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक पे आप लोग कहीं ना जाएं, इधर ही रहें, छोटी सी ब्रेक है, दोबारा आते हैं ऐसे। वेलकम बैक टू दिल रबाब, मैं हूं सैफ अली खान और मैं हूं एनी खान, और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भाई आज तो मुझे मजा आ रहा है। एक तो मजा पहले इसलिए आया है क्योंकि आज मौसम पिशावर का बहुत ही जबरदस्त था, तो जब मौसम अच्छा होता है तो हमें भी थोड़ी सी एनर्जी आई जाती है, हम भी बहुत खुश होते हैं जब मौसम अच्छा होता है तो। और उसके साथ साथ गाना मैं आज सुन रहा था, एक बड़ा जबरदस्त हमारा वो गाना था, ये उसका नहीं था, क्या हुआ जो लारी छूटी कॉल दी बैंड का गाना था, तो वो भी एक बड़ा जबरदस्त, पुरानी एक यादें ताज़ा हो गई। हम कोशिश करेंगे, आज मैं सोच रहा था रास्ते में, मैं आ रहा था, मैं चाह रहा था कि यार जो पुराने हमारे गाने थे ना 2004-05 के जो बैंड्स वाले वो गाने थे, तो वो हम अपने प्रोग्राम्स में कुछ आज लगाया करें, ताकि आजकल के तो हम सॉन्ग सुनते रहते हैं, बस हमारे जो वो गाने थे वो दरअसल एक तो एवरग्रीन गाने हैं, और पाकिस्तानी म्यूजिक जो एक होता है ना, एक बूम किया था जिसने, तो वो टाइम था गानों का। खैर हम छोटे थे उस वक्त, लेकिन वो अभी तक हम सुनते हैं क्योंकि वो गाने बड़े जबरदस्त थे, आर्टिस्ट सारे एक से बढ़कर एक बैंड पाकिस्तान का था, तो गाने हम सुनते थे। हमारे पास कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही है? मैं विष्णु बात कर रही हूँ, विनीगेट से। जी कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में है। हाँ जी बताएं ना, क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है, मौसम कैसा है वहाँ का पिंडीगेप का? मौसम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आज तो भी बहुत अच्छा है। और ये बताएं आप, कौन सा आपका फेवरेट म्यूजिशियन, सिंगर कौन सा फेवरेट है पाकिस्तानी? वैसे तो सारी एक ही रहते हैं। अच्छा, कोई गाना सुना सकती है? एक दो वाह जी वाह वाह वाह, आप कोई गाना सुना सकती हैं, एक दो लाइंस अगर सुना दे अपने फेवरेट किसी सिंगर की? नाज़िया इकबाल की सुना दे जी। हेलो आवाज आ रही है? जी 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 जी, कोई भी आप सुना दे। याद नहीं,
आपकी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा, काइंडली अगर उससे स्लो कर दे, हमें आपकी आवाज सही से आ रही नहीं। नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एनी आ जाएंगे और आज खूब गानों की कलेक्शन लेके आई है तो मैनी से जरूर सुनेंगे। और नाजिया इकबाल आपने कहा था ना, नाजिया इकबाल कहा था जी। अच्छा, नाजिया हसन नाजिया इकबाल पश्तो के जो गाने हैं ना जी। अच्छा, पश्तो भी सुनती हैं, ठीक है, हम जरूर एनी से फरमाइश हुई करते हैं, अगर इन्हें आता हो कोई गाना तो जरूर सुनाए। और थैंक यू कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, और इंजॉय करें और इसी तरह कॉल करते रहे। चलें जी, हमारे पास गाना भी आ गया, वाओ। तो हम आप लोगों को एक दूसरी म्यूजिक वीडियो सुनाते हैं, मैं भी देखता हूँ कौन सा है लगा रहे हैं लोग। आजकल मुझे बताते नहीं है पहले के कौन से लगा रहे हैं, सुना दे। हाँ, बड़े एंजॉय करते हैं, वाओ, बड़े। वेलकम बैक टू दिल रबाब जी, और ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, आसिम अज़हर का गाना है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये बड़ा अच्छा लगा होगा। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो कि है, ये मैंने ही सेंड किया था, इन्हें जरूर लगाएं। अच्छा, मैं ही देखें, अब मैंने पूछा नहीं कि आपने कौन सा सेंड किया, तो आपने खुद बताया। काफी माशाल्लाह वाकई अच्छा अच्छा गाना है, और कलेक्शन आपकी, कलेक्शन भी अच्छी, दूसरी पाकिस्तानी म्यूजिक जो हमारा अभी यूथ भी जितना म्यूजिक कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक चल रहा है हमारा पाकिस्तान में, तो भाई हम तो इंजॉय करते हैं म्यूजिक, और आप लोग भी इंजॉय किया करें, क्योंकि यही है, मतलब आप सिर्फ गाते नहीं है, सुनते भी हैं साथ साथ, तो सुनते हैं इंजॉय करते हैं ना जी, अब सुनेंगे तो इंजॉय करेंगे ना, और सिर्फ गा के तो आप अपने साथ ही इंजॉय करेंगे, और सुन के आप ये होता है कि आपको एक आइडिया भी मिल जाता है, आइडियाज भी मिलते हैं, और आप सुकून से इंजॉय कर रहे होते हैं। जब गा रहे होते हैं थोड़ा सा आप टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्केल में रहना पड़ता है, आपको टेम्पो में रहना पड़ता है, प्रेशर होता है ना, उन इश्यूज में रहता है। खैर, लाइव कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि लाइव कॉन्सर्ट में ये होता है आप ऑल इन ऑल होते हैं बैंड के साथ, जो वो फील होती है, जो वाइब होती है, वो बहुत अलग फील होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास एक ब्रेक है जी, तो ब्रेक पे जाते हैं और फिर आते हैं जी। हाँ जी, वेलकम बैक टू दिल रबाब, और हाँ जी, एनी बात करना चाह रही है, एनी Over to you. नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता, आपको पता है मैंने कभी सैफ को बीच में उनकी बात को कट नहीं किया, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, देखिए बड़े लोग हैं ऐसे नहीं करते, मैं तो बस खाली कोई अगर मुझे बात याद आ जाती है तो मैं आप ही की बात लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रही होती हूँ, बाकी आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, खैर है। तो ये गाना जो अभी इससे पहले लगा था, मैं उसकी बात कर रहा था कि वो मेरा फेवरेट गाना है और मेरे दिल के बहुत करीब है, वो जो कहते हैं ना, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे, ये भी बहुत दर्द में है, बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने। हाँ। तो खैर, ये जो बात थी, इसके साथ हमारे पास कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, सर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे हैं आप, और कौन साहब कहाँ से बात करें? अब तो आप लोगों को मेरी आवाज पहचानी चाहिए जी। जी जी, कैसे हैं आप? आप जाना, आप इनाम के हकदार हैं। चलें जी, आज तो आपसे डायरेक्ट हम गाना सुनेंगे जी, और एक गाना सुना दें आज। जरूर जरूर, आज जो मैं सॉन्ग गाने वाला हूँ, ये सॉन्ग जो है मैं अंतर से शुरू करूंगा, क्योंकि ये सॉन्ग, इस सॉन्ग की जो अंतर है बहुत ही जबरदस्त है, उम्मीद है व्यूअर्स को भी आप लोग सुना दें। सुनाए जी। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तो मिलेगी, मिट जाएगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी, छुट्टी के दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात हो तो पे अपने चाहत किनल में खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई मैं, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा।
जबरदस्त जी जबरदस्त खलील, हमेशा आप गाना बहुत अच्छा लेके आते हैं और उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छा करते हैं। बहुत जबरदस्त जी, बहुत आला। आपको तो म्यूजिशियन होना चाहिए, सिंगर होना चाहिए। सॉरी आप तो पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हुए हैं भाई, आपको तो बिल्कुल गाना चाहिए, ऐसी गाया करें क्योंकि आपकी आवाज गाना भी कौन सा चुन के, बहुत मुश्किल गाना है ये, तो मैं भी नहीं गा सकता भाई, तो बड़ा मुश्किल और बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने गाया। तो खैर थैंक यू हमें कॉल करने का, बहुत शुक्रिया और जी। बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ। टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट होता है, हम सारी बातें सेव कर लेते हैं, मुझे बोलने ही नहीं देते। नहीं दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, तो आप आजकल पता नहीं खफा है कि क्या है, आप ज्यादा बातें नहीं कर रहे। नहीं अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि यानी आज बहुत ज्यादा बातें कर रही है, लगता है कि पता नहीं क्या खा के आई है। शुरू में थी ना, अभी एंड में थोड़ी सी आप वो, नहीं थोड़ी थोड़ी नहीं, दरअसल वो होता है खफा हो जाती है ना क्योंकि जा रही होती है, ये शो में जरा ज्यादा इंटरेक्ट कर जाती है तो कहती है। देखिए आपकी सारी बातें प्रोड्यूसर साहब मानते हैं, ये बात आपने नहीं की होगी प्रोड्यूसर साहब से कि हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है वो थोड़ा सा ना बढ़ा दे। हाँ बढ़ा दे। नहीं दरअसल और शोज भी साथ होते हैं, हाँ, तो ये है कि ये भी काफी ज्यादा है, अच्छी खासी हमारी कॉलर से बात हो जाती है, हम अच्छे खासे गाने सुना देते हैं, इसी के साथ आप लोग भी इंजॉय किया करें। और आज सैफ ने गाना नहीं सुना, क्यों नहीं सुनाया, ये मेरा दीवानापन है, मैंने सुनाया नहीं, वो भी गाना सुनाएंगे आप, एक और गाना भी सुनाएंगे। खैर है ना, मैं खैर वो मुझे अभी नहीं आता, वो तो उस वक्त मैं ऐसे गुनगुना रहा था, वो अभी फरमाइश ना कर देना, तो याद करके आऊंगा। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि एक और सुना दे, मुझे पता है आप समझ जाएंगे मैं कौन सा कह रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। खैर अगर आपको भी वो नहीं आता, हम अगले प्रोग्राम में आपसे सुन लेंगे, लेकिन स्टार्ट में ही सुनाएंगे। मैं लिरिक्स याद करके आऊंगा ना, क्योंकि अब लिरिक्स भी मुझे, देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, आपको मौका देती हूँ। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया। और इसके साथ जी हमारा जो टाइम है वो है तकरीबन इख्तिताम पजीर होने लगा है, तो खैर कोई नहीं, कॉलर्स के साथ हमारी बात हुई, हमने आपको अच्छे खासे गाने सुनाए, बिल्कुल। और एक आध गाना हमारे पास है, हम एंड में चलाएंगे भी, आप लोग सुनेंगे। और इसके अलावा आप लोग भी कुछ ना कुछ याद कर लिया करें, जो हमारे एक्टिव कॉलर्स हैं और अक्सर कॉल करते हैं आप हमारे, बेशक नहीं अगर आप कॉल करते हैं, लाजम बात है, हमारा प्रोग्राम दिल रबाब सॉन्ग्स के हवाले से है, गाने के सिंगिंग के हवाले से है। तो जैसे सैफ को देखें, सैफ का जब मूड होता है कोई भी गाना वो खुद से गा लेते हैं, बिल्कुल, चाहे वो ब्रेक में हो, बिल्कुल। आप भी हमें जब कॉल करते हैं तो जो मर्जी आपका दिल आता है, लेकिन पाकिस्तानी सॉन्ग एक लाइन हमें सुना दी करें या दो लाइनें सुना दी करें, लेकिन जरूर हमसे शेयर किया करें कि हमें आप भी पता चले कि लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी तरह ही आप लोग इंजॉय करते रहें खुद भी, और हमें भी आप लोग जितना प्यार देते हैं वो काफी ज्यादा है हमारे लिए, और हम चाहते हैं हम आप लोगों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करें, लेकिन टाइम शॉर्ट होता है। हमारा प्रोग्राम खत्म होने की जानिब है, हमें गाना है, हम जरूर आप लोगों को सुनाएंगे। अपना ख्याल रखें और इसी तरह खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इजाजत दें सैफ अली खान और एनी को, और टेक केयर, नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।